देख लीजिए। सर्कुलर मोशन में साइन देखिए और ये वाला सरफेस का साइन देखिए, फटाक से पानी गायब। दोस्तों ये है मोटोमैक्स ब्रांड का क्रीम पॉलिश और ये दोस्तों एक कार्नोवा वैक्स पॉलिश है, जो कि यहाँ पर भी मेंशन है, देख सकते हैं वो वाला चीज़ कॉन्टेंट्स कार्नोवा वैक्स। और इस पॉलिश को यूज़ करके कंपनी क्लेम कर रहा है आपके कार के प्रिंटेड सरफेस पर एक हाई ग्लॉस मिरर साइन आएगा। तो हालांकि वो वाला चीज़ वीडियो में इसको यूज़ करने के बाद ही हमें पता चलेगा। और कार्नोवा वैक्स है इसके अंदर में, तो दोस्तों हाइड्रोफोबिसिटी भी आना चाहिए इसको यूज़ करने पर। हालांकि वो वाला चीज़ कंपनी ने मेंशन नहीं किया है प्रोडक्ट के कहीं पर भी, या फिर क्लेम भी नहीं कर रहा है। और ये क्रीम पॉलिश आता है दोस्तों एक स्पॉन्ज एप्लीकेटर पैड के साथ। तो आज के इस वीडियो में दोस्तों इस क्रीम पॉलिश को हाथ से और पॉलिशर मशीन से दोनों से यूज़ करके देखेंगे। और आप अगर वीडियो देखने के बाद इसको खरीदना चाहते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर इसका परचेस लिंक आपको मिल जाएगा। तो फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर यूज़ करेंगे तो साइड के पोर्शन के साथ क्या डिफरेंस आता है उससे हमें पता चलेगा। तो इसको यूज़ करने का तरीका कंपनी के रिकमेंडेशन के अनुसार दोस्तों सबसे पहले हम हाथ से यूज़ करके आपको दिखाएंगे। तो स्पॉन्ज एप्लीकेटर जो है, स्पॉन्ज एप्लीकेटर को आपको यहाँ पर पानी में थोड़ा सा इसको डिप कर लेना है ताकि ये डैम्पन हो जाए। इसके बाद दोस्तों इस एप्लीकेटर पैड के अंदर में जो पानी है इसको पूरा निचोड़ देना है। अभी क्रीम पॉलिश को निकालते हैं, देख सकते हैं क्रीम पॉलिश किस तरीके का है। तो इसको इस एप्लीकेटर में ऐसे थोड़ा मात्रा में लेने के बाद, थोड़ा पानी गिर गया है, इस तरीके से ऐसे लगा देना है। सिर्फ ये वाला पॉलिश नहीं दोस्तों, किसी भी कार पॉलिश को यूज़ करने से पहले सरफेस को आपको अच्छे से क्लीन कर लेना है शैम्पू वॉश करके। उसके बाद दोस्तों स्पॉन्ज एप्लीकेटर की मदद से सर्कुलर मोशन में इसको स्प्रेड करना है। तो यहाँ पर हमने स्प्रेड कर दिया दोस्तों। अभी इस पॉलिश को ऐसे ही छोड़ देना है थोड़ी देर ड्राई होने के लिए। लगभग 3-3.5 मिनट के करीब हो चुका है और जैसे जैसे ड्राई हो रहा है पॉलिश, यहाँ पर हेज लुक आ रहा है सरफेस पर। यहाँ पर थोड़ा सा स्वाइप टेस्ट करते हैं तो यहाँ पर क्लियर दिख रहा है, मतलब पॉलिश पूरा ड्राई हो चुका है। अभी माइक्रोफाइबर क्लॉथ के मदद से दोस्तों इसको बफ कर देना है। यहाँ पर मास्किंग टेप को हटाते हैं। अभी दोस्तों यहाँ पर मास्किंग टेप को हटाने के बाद आप देख सकते हैं जहाँ पर पॉलिश को यूज़ किया था उस सरफेस के साथ दोनों साइड के सरफेस में थोड़ा डिफरेंस आपको दिख रहा होगा, हालांकि कैमरा उतना जज नहीं कर पा रहा है। तो यहाँ पर दोस्तों एकदम मिरर साइन आया है ऐसा नहीं कहूँगा, सरफेस पर थोड़ा बहुत स्मूथनेस भी आया है, हालांकि स्मूथनेस बहुत ज़्यादा है ऐसा नहीं कहूँगा। तो इसको मैं दोस्तों 5 out of 10 दे सकता हूँ हाथ से यूज़ करने पर जो रिजल्ट मिला है उसको देखकर। हम पानी डाल के देखते हैं हाइड्रोफोबिसिटी वगैरह कुछ आया है या नहीं। डेफिनेटली दोस्तों हाइड्रोफोबिसिटी तो बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का आया है। नॉर्मल ये सरफेस पर देखिए पानी डाल रहा हूँ क्या रिजल्ट है देखिए, या फिर यहाँ पर भी अगर डालते हैं यहाँ पर भी रिजल्ट आप देख सकते हैं। लेकिन दोस्तों जैसे ही यहाँ पर पानी को अगर डालते हैं देख लीजिए, देखिए फटाक से पानी गायब। जबकि इस साइड वाला पोर्शन इस पोर्शन से ज़्यादा स्लोप यानी ढलान है, तो पानी यहाँ पर जल्दी रिपेल होना चाहिए था टाइमिंग के हिसाब से, लेकिन यहाँ पर देखिए धीरे धीरे पानी जा रहा है। जबकि यहाँ पर अगर पानी को डालते हैं देखिए, कार्नोवा वैक्स से उस हिसाब से हमने यहाँ पर टेस्ट किया, ये वाला क्रीम पॉलिश इस सरफेस को एकदम सुपर हाइड्रोफोबिक बना दिया। तो मेरे ख्याल से कंपनी को ये वाला चीज़ भी मेंशन करना चाहिए था प्रोडक्ट के ऊपर में। दोस्तों भी इस क्रीम पॉलिश को हम यूज़ करेंगे पॉलिशर मशीन की मदद से,
तो यहाँ पर इस डैम्प एप्लीकेटर के मदद से हम थोड़ा थोड़ा लगा देते हैं। और डैम्प एप्लीकेटर के मदद से डायरेक्ट लग रहा हो क्योंकि कंपनी जैसे रिकमेंड कर रहा है, तो प्रोसीड्योर भी कंपनी का ही फॉलो होगा, क्योंकि डायरेक्ट पॉलीसर मशीन के पैड को तो दोस्तों डैम्प नहीं कर सकते। पॉलीसर मशीन को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर ड्राई करने का ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट माइक्रोफाइबर क्लॉथ से बफ कर देना है। तो दोस्तों मास्किंग टेप को हटा दे, बढ़िया रिजल्ट मिला है दोस्तों पॉलीसर मशीन को यूज़ करने के बाद। एकदम ऑनेस्टली बात बता रहा हूँ, ये वाला सरफेस पर एकदम मिरर फिनिश आया है, जो कि हाथ से यूज़ करने पर ये वाला चीज़ देखने के लिए नहीं मिला था। ये वाला सरफेस का साइन देखिए और ये वाला सरफेस का साइन देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। इसको साइन के हिसाब से मैं 10 out of 10 दे सकता हूँ, जो कि हाथ पर मैंने नहीं दिया था, वहाँ पर इतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिला था। और अभी यहाँ पर सरफेस दोस्तों हाथ से यूज़ करने पर जितना स्लिपरी हुआ था उससे डेफिनेटली बेटर आया है स्लिपरीनेस। तो यहाँ पर इसको रख के वापस से दिखाते हैं, देखिए देख लीजिए, यहाँ पर रखते हैं तो कोई रिजल्ट नहीं है, यहाँ पर भी कोई रिजल्ट नहीं है, या फिर यहाँ पर भी अगर रखें, देखिए यहाँ पर भी कोई रिजल्ट नहीं है इतना ढलान होने के बावजूद भी। लेकिन जैसे ही यहाँ पर रखते हैं, देख लीजिए, जैसे ही यहाँ पर रखते हैं, देखिए दोस्तों, अभी यहाँ पर भी दोस्तों डायरेक्ट हम पानी डाल के देखते हैं, देख लीजिए। देखिए दोस्तों यहाँ पर पानी जम गया है, जबकि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए, देख लीजिए, देखिए जहाँ से मास्किंग टेप लगाए थे वहाँ से पानी को स्ट्रेट लाइन पर रिपेल कर रहा है, देखिए, देख लीजिए, देख लीजिए। वीडियो पसंद आने पर आपको पता है आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके हमें थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए। मिलते हैं एक नया वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।